बजट्स मैंने आपको अभी बताया है कि बजट जो है एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है जो आप एडवांस में सेट करते हो अगले पीरियड के लिए। जैसे आपने 6 महीने का अगले बजट बनाना है तो आप आज जो है वो प्लानिंग करोगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स की टर्म्स में होता है, ठीक है, नंबर्स की टर्म में कि अगले 6 महीने में आपकी ये कॉस्ट लगेगी, अगले 6 महीने में आपके इतनी सेल्स होगी। तो बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है जो आप एडवांस में प्रिपेयर करते हो फॉर नेक्स्ट पीरियड, फॉर फ्यूचर आप अभी प्लानिंग कर रहे होते हो, उसको आप बजट कहते हो। बजट की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट का मतलब है कि आपने बजट बना दिया एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए। जैसे जैसे आपने बजट बना दिया कि अगर मेरे जो मेरी प्रोडक्शन है वो 2000 यूनिट्स हुई, उस 2000 यूनिट्स पे मेरी कॉस्ट जो है वो जो भी होगी, ठीक है, जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट ये होगी। या आपने एक सिंगल एक्टिविटी लेवल पे जो बजट बना दिया उसको आप कहते हो फिक्स्ड बजट। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है आप बजट बनाते हो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे, अक्रॉस द रेंज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज। जैसे आपने कहा कि यार अगर 3000 यूनिट्स हुई तो मेरी कॉस्ट जो है वो इतनी होगी, अगर तो मेरी प्रोडक्शन प्रोडक्शन लेवल या प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्शन यूनिट्स मेरे 4000 यूनिट्स हुए तो इतनी कॉस्ट होगी। देखे ना, आपने डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे आपने बजट्स बना दिए, तो ये फ्लेक्सिबल बजट्स कहलाते हैं, ठीक है। एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी का जो बजट है वो उसको फिक्स बजट हम कहते हैं। जैसे 2000 फिक्स है, 3000 फिक्स है, 4000 फिक्स है। अब आपने अक्रॉस द रेंज जो बनाए हुए, जब इनको आप कंबाइनली कहेंगे तो आप कहेंगे यार डिफरेंट फ्लेक्सिबल बजट्स हमने बनाए हुए, तो ये फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट हो गया। अब आती है मेन बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी मेन बात। कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया हुआ है, लेबर के चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट हमने किया था, ठीक है। फ्लेक्स फ्लेक्स चीज का फॉर्मूला में हम लेबर के यूज करते थे, तो ये फ्लेक्स्ड बजट है, ठीक है। फ्लेक्स बजट क्या होता है? अ बजट क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। इट शोज व्हाट शुड आर रिजल्ट बी एट एक्चुअल लेवल। फ्लेक्स बजट वो बजट होता है जो कि बजट को एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से फ्लेक्स करता है, चेंज करता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने बजट सेट किया कि यार 2000 यूनिट्स पे मेरी कॉस्ट इतनी होगी, फर्ज करें आपके 2500 यूनिट्स बन गए, एक्चुअल जो आपका बना वो 2500 यूनिट्स बना। अब आप कंपेरिजन कैसे करेंगे? देखिए ना, आपने तो 2000 यूनिट्स का बजट बनाया है, आप उसको 2500 यूनिट्स के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि यार बजट जो है, प्लान जो है, टारगेट मैंने 2000 यूनिट्स के हिसाब से बनाया था कि इतने इतने खर्चे होंगे, लेकिन मेरी तो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी 2500 यूनिट्स आ गई, अब मैं इनको कंपेयर कैसे करूं? प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप फ्लेक्स बजट बनाते हो। फ्लेक्स बजट आप एंड ऑफ द पीरियड में बनाते हो। फ्लेक्स बजट में आप जो है बजटेड डेटा उठाते हो और उस डेटा को, बजटेड डेटा को आप चेंज करते हो, बजटेड डेटा को आप चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी का जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो बजट में, तो वो आपको बता देता है कि आपका रिजल्ट जो है बजट के मुताबिक आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए था इस एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, बजट के मुताबिक आपका इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे क्या रिजल्ट होना चाहिए था। फिर आप उस फ्लेक्स्ड बजट को कंपेयर करते हो आप अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, और फिर आप देखते हो कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, बुरा परफॉर्म किया है। अगर आपको लेबर चैप्टर में याद हो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब था कि बजट के मुताबिक एक यूनिट को बनाने में मुझे कितना घंटा लगेगा, ठीक है, और आप उसको मल्टीप्लाई कर देते थे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कि इतने यूनिट्स अगर मैंने बनाए तो मेरे कितने घंटे लगने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू बजट। स्टैंडर्ड आवर होता था वो बजटेड डेटा को आप डिवाइड करके निकालते थे, बजटेड यूनिट्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, ठीक है। तो फ्लेक्स बजट जो है वो बजटेड डेटा को फ्लेक्स करता है, बजटेड डेटा को जो टारगेट्स है उनको रीअरेंज करता है अकॉर्डिंग टू योर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब वो कैसे करता है मैं आपको एक बहुत डिटेल में एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, उस एग्जाम्पल से जो है आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल करने से पहले आपका जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक काफी लेंथी क्वेश्चन है, F2 की बुक से मैंने उठाया है कि व्हाई लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स वन प्रोडक्ट एंड व्हेन ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी कैन प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स पर पीरियड, ठीक है। एक व्हाई लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स है, एक प्रोडक्ट बनाता है, अगर वो फुल कैपेसिटी पे वर्क करे तो वो 5000 यूनिट्स एक पीरियड में बना लेता है, बट फॉर द लास्ट फ्यू पीरियड हैज बीन ऑपरेटिंग बिलो कैपेसिटी। कुछ पिछले कुछ पीरियड से वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बिलो इज फ्लेक्सिबल बजट,
प्रिपेयर एट द स्टार्ट ऑफ द लास्ट पीरियड फॉर थ्री लेवल ऑफ एक्टिविटीज एट बिलो कैपेसिटी। तो वही फ्लेक्सिबल बजट, यानी कि डिफरेंट रेंजेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बजट्स बनाए हुए हैं। 3500 यूनिट्स पे भी बनाया हुआ है, 4000 पे भी और 4500 पे भी। एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे इटसेल्फ फिक्स बजट कहलाता है, डिफरेंट रेंजेस अवेलेबल है तो फ्लेक्सिबल बजट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ एक्टिविटी 3500 यूनिट्स है, उस पर आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, उस पर आपको डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, उस पर आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए, उस पर आपको उसने एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए और टोटल कॉस्ट जो सबको ऐड करके दी हुई है। ठीक है, आप नीचे उसने क्या लिखा हुआ है, इन द इवेंट द लास्ट पीरियड टर्न्ड आउट टू बी इवन वर्स देन एक्सपेक्टेड। अब जो लास्ट पीरियड आपका गुजरा है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी मजीद मजीद जो है वो बहुत बुरा था। ठीक है, मजीद बुरा था, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बुरा था, और आपने सिर्फ और सिर्फ 2500 यूनिट्स बनाए थे, और उन 2500 यूनिट्स को जो आपने बनाया था तो ये कॉस्ट आपकी इनकर हुई थी। डायरेक्ट मटेरियल 4500, डायरेक्ट लेबर 22000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 28000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यानी कि सारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स 16500, और टोटल कॉस्ट 71000 है। देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि आपने फ्लेक्स बजट निकालना है 2500 यूनिट्स पे। ठीक है, आपने बजट निकालना है फ्लेक्स बजट 2500 यूनिट्स पे। फ्लेक्स बजट मैंने आपको बताया है कि आपने बजटेड डाटा को उठाना है और उसको फ्लेक्स करना है, उसको चेंज करना है, ताकि आप एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी को भी रिफ्लेक्ट कर सके कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हमारा बजट क्या कहता था। ठीक है, अब फ्लेक्स बजट में बनाता हूं, उससे पहले कॉन्सेप्ट वही है कि देखें ना, आपके पास जो बजट की रेंज अवेलेबल है वो 3500 यूनिट्स पे बजट है, 4000 पे है, 4500 पे है, लेकिन आपकी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी सिर्फ 2500 यूनिट्स आई है। देखें ना, 2500 यूनिट्स वाली कॉस्ट को इन तीनों में से किसी कॉस्ट के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, कंपैरिजन ये फैसिलिटेट नहीं करता, मतलब वो एक राइट कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा। फिक्स बजट के साथ आप कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक राइट कंपैरिजन तो ना हुआ ना कि यार वो तो 3500 यूनिट्स का था, ये तो 2500 का है, वो 4000 है, 2500 यूनिट्स, ये चार वो 4000 यूनिट्स पे बजट है, ये 2500 यूनिट्स का एक्चुअल रिजल्ट है, 4500 यूनिट्स का बजट है, ये तो 2500 यूनिट्स का एक्चुअल रिजल्ट है। कंपेरिजन आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसको फ्लेक्स करते हो। अब फ्लेक्स कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट मटेरियल से। अब डायरेक्ट मटेरियल जो है, वैसे तो आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट की एक करेक्टरिस्टिक आपको पता होगी, आपको पता होनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। पर यूनिट अगर वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है, इसका ऑब्वियसली मतलब यही है कि मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालूंगा उसको मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा 2500 यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मैंने फ्लेक्सिबल बजट से उठा ली और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल रिजल्ट के साथ 2500 यूनिट्स के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार 2500 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू बजट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब वेरिएबल कॉस्ट, वैसे तो मैंने आपको जस्ट, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होते हैं, लेकिन आप प्रूव भी कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की दो करेक्टरिस्टिक्स होती है, नंबर वन कॉस्ट इंक्रीज करती है विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, नंबर टू कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहती है। तो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल को गौर से देखूं तो 3500 यूनिट्स पे 7000 कॉस्ट थी, 4000 यूनिट्स पे 8000 कॉस्ट थी, 4500 यूनिट्स पे 9000 कॉस्ट थी। तो जो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो रही है, 3500, 4000, 4500, नीचे आपकी डायरेक्ट मटेरियल की भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और डायरेक्ट लेबर की भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होगी, दूसरी क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट होती है। ये भी मैं प्रूव कर देता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट आप निकालें, 7000 डिवाइड बाय 3500 टू आएगा, 8000 डिवाइड बाय 4000 अगेन टू आएगा, 9000 डिवाइड बाय 4500 अगेन टू आएगा। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है मेरी, वो डायरेक्ट मटेरियल की कितनी है, टू पर यूनिट, टू पर यूनिट। ये देखिए मैंने फ्लेक्सिबल बजट से चीज निकाली है, टू पर यूनिट। अब इसी तरह मैं लेबर की देखता हूँ कि क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं। अब मैं 28000 को डिवाइड करूंगा 3500 के साथ तो ये आ जाएगा 8, 32000 को डिवाइड करूंगा 4000 के साथ अगेन 8 आ गया, 36000 को डिवाइड करूंगा 4500 के साथ अगेन 8 आ गया। इसका मतलब है जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है डायरेक्ट लेबर की, वो 8 पर यूनिट है। ठीक है, वैसे हमें वैसे भी हमें पता है कि यार जो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर होता है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, तो आप सीधा सीधा कॉस्ट पर यूनिट भी ले सकते थे, लेकिन जस्ट कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, इस वजह से मैंने सारी वर्किंग की।
तो डायरेक्ट मटेरियल भी मुझे पता चल गया, डायरेक्ट लेबर भी पता चल गया। अब मैं अगर जब फ्लेक्स बजट बनाऊंगा, मैं यहाँ पर फ्लेक्स बजट, यहाँ पर फ्लेक्स लिखता हूँ, फ्लेक्स बजट FB लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज थी फ्लेक्स बजट में आपकी आएगी, वो आएगी डायरेक्ट मटेरियल। देखें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 2 पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल 2 पर यूनिट है ना, तो 2500 यूनिट्स पे मेरी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डायरेक्ट मटेरियल की जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, 5000। तो देखें ना, अब फ्लेक्स बजट ने आपको बता दिया है कि 2500 यूनिट्स पे जो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए थी वो 5000 होनी चाहिए थी, 2500 यूनिट्स पे जो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए थी वो 5000 यूनिट्स होनी चाहिए, $5000 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये काम होता है फ्लेक्स बजट का, कि आप बजट से डाटा उठाओ और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से उसको मल्टीप्लाई करो, या एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से उसको एडजस्ट करो, तो आपके पास जो बजट के मुताबिक क्या रिजल्ट्स होने चाहिए थे इस एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो आ जाते हैं। तो बजट के मुताबिक आपकी कॉस्ट पर यूनिट 2 होनी चाहिए थी, और 2500 यूनिट्स आपने बनाए तो इसका मतलब है 5000 आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होनी चाहिए थी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट होता है, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम होता है। इसी तरह मैं डायरेक्ट लेबर की निकालूंगा, डायरेक्ट लेबर जो है 2500 यूनिट्स है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है, 8 पर यूनिट आपने ऊपर से निकाली है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 8 में करूंगा तो 2500 टाइम्स 8 मुझे दे देगा 20,000, यानी कि 2500 यूनिट्स पे मेरी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट $20,000 होनी चाहिए थी। फ्लेक्स बजट है ना, आप एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से बजट को एडजस्ट कर रहे हो। थर्ड चीज है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं, तो मुझे ऐसे पता चलेगा कि मैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सामने आपके हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि यार एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से ये कॉस्ट जो है ये इंक्रीज हो रही है, एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। 34,000 कॉस्ट है और एक्टिविटी लेवल 3500 था, तो कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गया 9.71, फिर 36,000 है तो ये 4,000 से डिवाइड किया तो मेरे पास 9 आ रहा है, मेरे पास 9 आ रहा है। तो इससे ये बात सेटिस्फाई, इससे ये बात पता लगी आपको कि यार एक कैरेक्टरिस्टिक तो सेटिस्फाई हो रही है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के इंक्रीज होने से ओवरहेड की कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉन्स्टेंट होती है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर इसमें आधी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल कॉस्ट की सेटिस्फाई हो रही है तो ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको आपने फिक्स और वेरिएबल इसे में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल हिस्से में स्प्लिट करने के लिए आप एक मेथड इस्तेमाल करते थे, जिस मेथड का नाम था हाई लो मेथड। तो हाई लो मेथड के साथ हमें कॉस्ट को स्प्लिट करना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हाई लो मेथड के साथ स्प्लिट करना शुरू करता हूँ। हाई लो मेथड के स्टेप क्या थे, स्टेप 1 आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 4500 यूनिट्स है, लोएस्ट है 3500 यूनिट्स, और उन पे कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही सेमी वेरिएबल है, तो 38,000 इस पे और 34,000। थर्ड स्टेप था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपका निकालना होगा आपको। तो कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 38,000 माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 34,000 डिवाइडेड बाय रेलिवेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के, रेलिवेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज 4500 माइनस 3500। ऊपर से आपके पास आ जाएगा 4,000, नीचे से आ जाएगा 1,000, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 होगी, 4 पर यूनिट, ठीक है। फिर आपने इसे फिक्स कॉस्ट सब्सटीट्यूट करनी है। फिक्स कॉस्ट को कैसे सब्सटीट्यूट करना है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में है वो हम उसको ओपन करते हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट अगर मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की लूंगा तो मुझे अंदर वेरिएबल कॉस्ट जब मैं निकालूंगा तो मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। मैं हाईएस्ट की ले लेता हूँ, 38,000 है, 38,000 है माइनस वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऊपर आपने निकाली हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि मैंने 38,000 कॉस्ट ली हुई है तो अंदर में जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो 4500 लूंगा। अब ये हाई लो मेथड बड़े डिटेल से मैंने आपको समझाया हुआ है तो ये आपको आना चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट जो मेरी आएगी 4 मल्टीप्लाई 4500 वो आ जाएगी 18,000, और 38,000 ये मेरा आ गया। जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो मेरी आएगी 18,000।
इसका मतलब ये है कि जो फिक्स कॉस्ट मेरी आगी वो आगी 20,000। फिक्स कॉस्ट आपको पता है हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जो है वो फिक्स होती है, बाकी प्रोडक्शन ओवरहेड की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मैं 2,500 यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने फ्लेक्स बजट बनाना है ना, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी को भी रिफ्लेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर मैं वर्किंग करता हूँ, जो मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 2,500 यूनिट्स पे वो क्या होंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो मेरे 2,500 यूनिट्स में हैं, अब आपको समझ आ गई होगी कि हाइलो मेथड का क्या कॉन्सेप्ट होता था, क्या प्रिंसिपल होता था, कैसे वो आपकी मदद करती थी किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट निकालने के लिए। 2,500 यूनिट्स पे जो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपने अभी निकाली है 20,000 है, 20,000 में यहाँ पर 20K लिख देता हूँ यानी कि 20,000। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट 4 है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि आप 2,500 यूनिट्स पे कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 2,500 कर देंगे। 2,500 × 4 आपको दे देगा 10,000, और 10,000 को आप ऐड कर देंगे 20,000 में तो आपके पास आ जाएगा 30,000, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे 30,000 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बजट। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स मेरे आ जाएंगे 30,000। ये आइलो मेथड का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, और होपफुली आपको चीजें आप समझ आ रही हैं कि फ्लेक्स बजट क्या होता है, कि आप बजट का डाटा उठा के उसको आप चेंज करते हो, फ्लेक्स करते हो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ताकि आपको ये पता चले कि बजट के मुताबिक इस एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे मेरे ये रिजल्ट्स होने चाहिए थे, और फिर आप उनको कंपेयर करते हैं। सही है। अब लास्ट चीज है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी कि एडमिन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो तो आपको नजर आ रहा है कि हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम है यानी कि फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अगर कॉस्ट सेम होती है तो फिक्स कॉस्ट होती है। जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो आपके वही रहेंगे 15,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5,000 + 20,000 + 30,000 + 15,000, यानी कि 70,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी फ्लेक्स बजट के मुताबिक। और जो एक्चुअल रिजल्ट्स है आपके, एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं मैं यहाँ पर उनको भी आगे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, कि एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट आई डायरेक्ट मटेरियल की वो 4,500 आई। इसका मतलब है आपने अच्छा किया ना फ्लेक्स बजट के मुताबिक, यानी कि इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बजट के मुताबिक आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 5,000 आनी चाहिए थी लेकिन आपकी 4,500 आई। यस यू डिड गुड। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आपकी जो है वो एक्चुअल 22,000 आई, जबकि बजट कह रहा था कि 20,000 आनी चाहिए, तो यहाँ पर यह कि आपकी कॉस्ट ज्यादा लगी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो आपके एक्चुअल 28,000 इनकर हुए, यानी कि आपका खर्चा 28,000 हुआ प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, और बजट कह रहा था 30,000 होगा, प्लान था ना। तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, कॉस्ट कम लगी। और एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है वो आपके फ्लेक्स बजट के मुताबिक, क्योंकि 15,000 ही होने चाहिए थे लेकिन आपके ज्यादा इनकर्ड हुए, ज्यादा आपके इनकर्ड हुए हैं। इसका मतलब है कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आई हैं यहाँ पर जो कि आपके बजट में नहीं थी शामिल लेकिन एक्चुअल में वो भी लगी हैं। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी एक्चुअल की बन गई वो बन गई 71,000, और फ्लेक्स बजट के मुताबिक आपकी कॉस्ट 70,000 होनी चाहिए थी, तो आपने 1,000 से थोड़ा सा एक्सीड किया। तो देखे ना, अब जो कंपैरिजन है वो कितना लाइक टू लाइक हो गया ना, कि बजट के मुताबिक एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये रिजल्ट्स होने चाहिए थे और एक्चुअल में ये रिजल्ट्स आए हैं, तो कंपैरिजन जो है फैसिलिटेट हो गया। तो ऐसे जो है आपने डेटा को यूज करते हुए, बजटी डेटा को यूज करते हुए उसको फ्लेक्स करना है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। सही है। तो ये था हमारे बजट्स। ठीक है, बजट्स मैंने आपको बताया फिक्स बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फ्लेक्स्ड बजट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्योंकि वेरियंस एनालिसिस से पहले आपको ये चीज का समझना जरूरी था, फ्लेक्स बजट क्या होता है और कैसे हम जो है ना एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से बजट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है मैंने आपको बता दिया। उसके लिए आपके लिए इस कैलकुलेशन को समझने के लिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हाइलो मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक फ्लेक्स बजट का। अब हम आगे मूव करते हैं जो मेन चीज है हमारे चैप्टर की, जो कोर एरिया है जहां से एग्जाम लाजमी टेस्ट होगा, वो है वेरियंस एनालिसिस। वेरियंस एनालिसिस मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स और बजट या प्लान रिजल्ट्स के दरमियान जो डिफरेंसेस आते हैं, जो डिविएशन आती है, यानी कि डिफरेंसेज ही होते हैं कि एक्चुअल बजट के दरमियान क्या डिफरेंसेज हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको समझना, उनको एनालाइज करना वेरियंस एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, वेरियंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड रिजल्ट्स, इसको आप वेरियंस कहते हैं। उसको एनालाइज करना कि क्या रीजंस हैं कि हमारे बजट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हैं ना,
इस चैप्टर में हम कंपैरिजन करें कि हम अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो हम परफॉर्मेंस को ऐसे ही करेंगे ना यार, एक्चुअल और बजट में क्या डिफरेंसेस आए और क्यों आए उनको स्टडी करना वेरियंस एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तीन टाइप ऑफ वेरियंसेज आते हैं, यानी कि तीन तरह के आपकी डिविएशन आती है। सेल्स वेरियंस, कि बजट के मुताबिक आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आपकी सेल्स क्या होंगी और एक्चुअल आपकी सेल्स क्या आई। मटेरियल वेरियंस, ये मटेरियल और लेबर का वेरियंस जो है वो आपका कॉस्ट वेरियंस कहलाता है, क्योंकि मटेरियल और लेबर आपकी कॉस्ट होती है ना, अच्छा होता है। मटेरियल वेरियंसेस में आप देखते हो कि आप जो मटेरियल के जो बजट थे उनकी और एक्चुअल परफॉर्मेंस उनमें क्या डिफरेंसेज आए, और लेबर में आप लेबर कॉस्ट को और एक्चुअल उसकी कॉस्ट को ऑब्वियसली देखते हो कि उनके दरमियान क्या डिफरेंसेज आए। ठीक है, तो ये तीन टाइप ऑफ वेरियंसेज है जिनके बारे में हम बात करेंगे। सेल्स वेरियंस हो गया, मटेरियल वेरियंस हो गया, लेबर वेरियंस हो गया।